आईफोन 16 प्रो मैक्स आज आ गया है मेरे पास। 512 जीबी वाला वर्जन है ये और मैं इस बार यूज करने वाला हूँ नेचुरल टाइटेनियम। हर बार मैं ब्लैक आईफोन यूज करता हूँ, इस बार मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज करते हैं और मैंने इस बार लिया है नेचुरल टाइटेनियम 512 जीबी वाला वर्जन और ये है प्रो मैक्स। इसके बाद प्रो की वीडियो भी आएगी और ये नया कलर है डेजर्ट टाइटेनियम। यहाँ पे चार कलर मिल जाते हैं आपको प्रो सीरीज के अंदर, नेचुरल टाइटेनियम, ब्लैक, व्हाइट एंड डेजर्ट टाइटेनियम। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मेरा फेवरेट काम करते हैं, निकालते हैं फोन को बाहर, ये जो पुल टैब्स हैं इनको खींचते हैं। फोन को निकाले बाहर, टाडा, यहां पे है अपना 16 प्रो मैक्स 512 जीबी वर्जन के अंदर। और बॉक्स के अंदर इस बार आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यूएसबी सी केबल आपके फोन को चार्ज करने के लिए, ब्रेडेड केबल है ये, और इसके अलावा यहाँ पे एप्पल स्टिकर जो पहले मिलते थे वो भी नहीं, और बॉक्स छोटे से छोटा होता जा रहा है। इसके बाद मुझे नहीं पता क्या गायब करेंगे एनवायरमेंट के नाम पे, मे भी ये भी गायब कर दे फोन, बस ऐसे लिफाफे में डाल के दे दे। और अब निकालते हैं रैप को। ये हमेशा बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग पार्ट रहता है। अब फोन को ऑन करने से पहले एक बार कंपेयर कर लेते हैं पिछले साल वाले नेचुरल टाइटेनियम से। ये है 15 प्रो, ये है 16 प्रो मैक्स। कलर तो बिल्कुल ही सेम है, आप लोग देखो कोई फर्क लग रहा है? कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कलर है। मुझे नहीं पता 15 प्रो सीरीज एंड 16 प्रो सीरीज में क्या फर्क निकालें इस एक बटन के अलावा, बाकी कलर तो आपने देख ही लिया। और एक चीज यहाँ पे और बताता हूँ आपको, जो 15 प्रो सीरीज थी वहां पे MMWave वाला एंटीना मिलता था सिर्फ अमेरिकन मॉडल्स में, बट अब ये जो एंटीना है जा चुका है यहाँ से, किसी भी जगह पे ये एंटीना आपको नहीं दिखेगा। मुझे लगा था शायद वॉल्यूम बटन के नीचे दे दिया होगा, बट ऐसा भी नहीं है। ये एक नया कैमरा कंट्रोल वाला बटन है जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। एप्पल ने सिर्फ इतना कहा कि ये जो एंटीना हमें पहले मिलता था अब उन्होंने इसको फ्रेम के अंदर ही कहीं पे डाल दिया, बट पहले की तरह दिखेगा नहीं। अब बात करते हैं फोन में मिलता क्या क्या है। सबसे पहले एक्शन बटन जो हमें 15 प्रो सीरीज में मिलता था, वॉल्यूम बटन्स, नेटवर्क बैंड्स हैं काफी सारे, टॉप में कुछ भी नहीं। राइट साइड में है आपका पावर बटन, पावर बटन के बिल्कुल नीचे है नया कैमरा कंट्रोल वाला बटन जिससे आप अपने कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो, फोटोज वगैरह खींच सकते हो, और भी काफी फीचर्स हैं जो कि थोड़ी देर में दिखाता हूँ। बॉटम में यूएसबी सी पोर्ट है और ये सेम यूएसबी सी रहेगा 3.0 वाला, सेम स्पीड्स मिलेंगी 15 प्रो सीरीज वाली। नीचे है आपका स्पीकर, दैट्स इट। और अब इसको कर लेते हैं ऑन। अब देखते हैं एप्पल का लोगो आ गया है जी, एप्पल का लोगो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये जो एप्पल का क्लॉथ आता है $19 का, 1900 रुपए का कपड़ा है ये आपके फोन की स्क्रीन को साफ करने के लिए। ये कंपैटिबल है 16 प्रो सीरीज के साथ भी, तो अगर ऑलरेडी आपके पास है तो बढ़िया न्यूज है। और अभी फोन हो जाए ऑन, फोन ऑन हो गया है। अब मैं फटाफट से इसको सेटअप कर लेता हूँ। सेटअप करना बहुत ही ज्यादा ईजी है, आपको बस इंग्लिश पे क्लिक करना है, अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, कंटिन्यू करना है और अपने पुराने फोन को इसके पास लेके आना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आ गया सेटअप न्यू आईफोन, आपको आपके पुराने फोन में बस कंटिन्यू करना है और उसके बाद इस तरीके से स्कैन कर लेना है, एंड दैट्स इट। अब फटाफट से मैं इसको सेटअप कर लूं, फिर मिलता हूं आपसे। अब देखो जी, फोन तो हमने कर लिया है सेटअप, अब सबसे बड़ी चीज की बात करते हैं जो चेंज आया है यहाँ पे, और चेंज दिखाने के लिए आपको मैं स्क्रीन साइजेस दिखा देता हूँ। ये है 15 प्रो मैक्स और दूसरी तरफ है 16 प्रो मैक्स। पहले हमें मिलती थी 6.7 इंचेस की स्क्रीन, बट अब हमें मिल रही है 6.9 इंचेस की स्क्रीन। तो स्क्रीन साइज बढ़ गया है, बट ओवरऑल जो फैक्टर है वो सेम ही दिखेगा क्योंकि बेजल्स छोटी हो गई है। अगर मैं एक बार कुछ इस तरीके से रख दू बिल्कुल पास पास, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं बता पा रहे, बट बेजल्स आपको डेफिनेटली दिख रही होंगी कि 16 प्रो मैक्स के अंदर बहुत ही छोटी है। और साथ ही साथ नंबर की भी अगर मैं बात करता हूं, 16 प्रो मैक्स की जो हाइट है वो है 163 mm, और वो यहां पे आपको दिख रही होगी हल्का सा, आपको ऊपर की साइड पे दिख रहा है कि हाइट थोड़ी सी लंबी है। इतना फर्क आपको देखने को मिल जाएगा 15 प्रो मैक्स और 16 प्रो मैक्स के बीच में। ऊपर वाला जो अपना स्पीकर रहता है वो अलग से चमक रहा है, ये है फर्क हाइट में। 15 प्रो मैक्स की जो हाइट है वो है 159.9 mm। उसके अलावा विड्थ की अगर बात करें तो जो 16 Pro Max है इसकी विड्थ है 77.6 और 15 Pro Max की विड्थ है 76.7। जो डेप्थ है वो बिल्कुल सेम है। वेट की बात करूं तो 16 Pro Max का वेट है 227 grams और इसका वेट है 221 grams, बिल्कुल सेम सेम ही वेट है, हल्का सा भारी है, इतना महसूस आपको नहीं होगा टू बी ऑनेस्ट। विड्थ में बहुत ही छोटा सा अंतर आपको दिखेगा, हल्का सा जो 16 Pro Max का फ्रेम है वो बाहर को आ रहा है। उसके अलावा दोनों ही फोन्स में
आपको टाइटेनियम का फ्रेम देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अब बात करते हैं और क्या क्या है। अब अगर स्क्रीन की बात कर लूं तो स्क्रीन यहाँ पे हमें मिल रही है 6.9 इंचेस की। पिक्सल डेंसिटी वगैरह सारी चीजें सेम है। 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। यहाँ पे एक चीज है जो 15 प्रो मैक्स के अंदर से गायब थी कि ये वाली जो स्क्रीन है ये 1 निट तक भी जा सकती है। तो रात के टाइम जब आप इसको यूज करोगे तो बहुत ही बढ़िया आपको रहेगा, आपकी आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा। पीक जो ब्राइटनेस है वो दोनों की सेम है 2000 निट्स, बट मिनिमम जो है ये जा सकता है 1 निट तक। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे 16 प्रो मैक्स के अंदर आपको सेकंड जनरेशन वाला सेरेमिक शील्ड ग्लास मिल रहा है, जो कि किसी भी स्मार्टफोन में आने वाले ग्लास से टफर है, ऐसा क्लेम है। एप्पल का भी थोड़े दिनों में कोई ना कोई जो है वो टेस्ट कर ही लेगा इस ग्लास को, तो हमें पता चल जाए कितना स्ट्रांग है। बट अगर 15 प्रो से कंपेयर करें तो डेफिनेटली उससे तो ज्यादा स्ट्रांग है ही ये वाला फोन। और अब अगर बात करूं मैं प्रोसेसर की, तो 16 प्रो मैक्स के अंदर हमें 8GB रैम मिलती है, 15 में भी 8 मिलती थी। 16 Pro Max के अंदर हमें A18 Pro प्रोसेसर मिल रहा है, 15 Pro Max के अंदर हमें A17 Pro मिलता था। और 15 Pro Max सीरीज के साथ एक चीज जुड़ी थी, वो थी हीटिंग का इशू। यहाँ पे इम्प्रूव चैसी है पहले के कंपैरिजन में, अब बेटर थर्मल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी, तो हीटिंग का इशू इस वाले फोन में काफी ज्यादा कम आएगा पहले के कंपैरिजन में। बैटरी यहाँ पे तगड़ी है, नंबर्स आ गए हैं बैटरी के और ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। और वायरलेस चार्जिंग की बात करता हूँ क्योंकि वायर चार्जिंग की स्पीड के बारे में भी नहीं पता। अगर आप वायरलेसली अपने फोन को चार्ज करना चाहते हो तो नया मैक्सेफ चार्जर आ गया, जो कि आपको स्पीड्स देगा 25 वॉट की। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करना। और 25 वॉट की अगर आपको वायरलेस स्पीड चाहिए तो आपको यूज करना होगा 30 वॉट का पावर अडैप्टर। अडैप्टर आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा टिपिकल एप्पल स्टाइल में, बट पहले 15 वॉट की मिलती थी 15 प्रो सीरीज के अंदर, 16 प्रो के अंदर है 25 वॉट। और मेरे जैसों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज है। और अब आते हैं सबसे बड़ी चीज पे जो रहते हैं कैमरास। यहाँ पे 15 प्रो सीरीज एंड 16 प्रो सीरीज के अंदर जो प्राइमरी लेंस है वो 48 मेगापिक्सल का ही रहने वाला है, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस है 16 प्रो में, जैसे कि बेटर एचडीआर, डायनेमिक रेंज आपको अच्छी मिल जाएगी। उसके अलावा जो अल्ट्रा वाइड लेंस है 16 प्रो मैक्स में वो अब हो गया है 48 मेगापिक्सल का, पहले था 12 मेगापिक्सल का। और यहाँ पे जो टेलीफोटो लेंस है, पहले 15 प्रो मैक्स में 5x था और 15 प्रो में 3x जूम था, बट अब 16 प्रो मैक्स एंड 16 प्रो दोनों में ही आपको 5x का जूम देखने को मिल जाएगा। काफी सारे आपको फोटोग्राफिक स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर उन्हीं की बात कर लें तो आप देख रहे हो, पहला है स्टैंडर्ड, एम्बर, गोल्ड, रोज गोल्ड, न्यूट्रल, कूल रोज, तो ये हैं सारे के सारे नए फोटोग्राफिक स्टाइल। उसके अलावा वाइब्रेंट भी है, नेचुरल भी है, ल्यूमिनस भी है, ड्रामेटिक, क्वाइट, कोजी, एथीरियल, म्यूटेड, स्टार्क, अरे बाप रे इतने सारे। तो अभी इसको लेके चलते हैं स्टैंडर्ड पे, तो ये हैं सारे के सारे फोटोग्राफिक स्टाइल आपकी फोटोज में नए नए ह्यूज वगैरह ऐड करने के लिए। उसके अलावा अगर आप अपना कस्टमाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप टैप कर इस तरीके से भी जो टोन है उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं बाहर। वीडियोस की अगर मैं बात कर लूं, वीडियोस में चलते हैं, अब आप 4K के अंदर 120 FPS के अंदर भी शूट कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और इसको आप पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर सेलेक्ट भी कर सकते हो कि आपको 120 में रखना है, 60 में, 30 में, पूरी वीडियो को या फिर कितने सेक्शन को। ये सारी चीजें मैं अपने कैमरा कंपैरिजन वाली वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये जो वीडियो है सिर्फ अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस ही हैं। उसके अलावा एक इशू जो सारे आईफोन्स में आता है वो आता है कि जब आप रात के टाइम पे शूट कर रहे होते हो तो लेंस पे ग्लेयर बहुत ज्यादा आता है, वो लाइट्स वगैरह दिखती रहती है। उसको कम करने के लिए इस बार 16 प्रो सीरीज के अंदर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग हमें मिल रही है लेंसेज के ऊपर, और साथ में ही बेटर ऑडियो के लिए वीडियो के टाइम पे विंड नॉइज रिडक्शन भी आपको मिल रही है। तो अगर आप शूट कर रहे हो बाहर हवा चल रही है तो बेटर ऑडियो इसमें आएगी। ऑडियो मिक्स वाला फीचर यहाँ पे मिल रहा है, जो सब चीजें मैं आपको कैमरा कंपैरिजन में दिखाने वाला हूँ जैसे मैंने कहा। और यहाँ पे स्टूडियो क्वालिटी के 4 माइक आपको मिल रहे हैं बेटर ऑडियो को कैप्चर करने के लिए। फ्रंट में जो कैमरा है वो दोनों ही फोन्स के अंदर बिल्कुल सेम है 12 मेगापिक्सल वाला, बट एक चेंज यहाँ पे आया है कि अगर आप क्विक टेक वाली वीडियो बनाते हो, डजंट मैटर वो फ्रंट कैमरा से या बैक कैमरा से, यहाँ पे अब आप 4K 60 के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो डॉल्बी विजन HDR में। तो क्विक टेक मुझे नहीं पता कितने लोग यूज करते हैं, बट जो भी करते हैं उनके लिए गुड न्यूज है। और अब आते हैं उस फीचर पे जो एप्पल ने बहुत ज्यादा पुश किया, वो है ये कैमरा कंट्रोल वाला बटन, और इसकी सेटिंग भी आपको मिल जाती है स्पेशल। तो उसके लिए हमें जाना है कैमरा में जाने का, टॉप पे ही आपको सेटिंग्स दिख रहे हैं कैमरा कंट्रोल की। तो यहां आ गए तो यहां पे आपसे पूछा है कि आपको क्लीन प्रीव्यू चाहिए, लॉन्च कैमरा, सिंगल क्लिक या डबल क्लिक। तो इस वाले बटन को आप सिंगल क्लिक करोगे तो कैमरा खुलेगा, डबल क्लिक। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है चूज द ऐप दैट विल ओपन व्हेन यू क्लिक कैमरा कंट्रोल। तो जब आप इस बटन को दबाओ तो कौन सी ऐप खुले, तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा कैमरा ही। तो एक बार आप दबा भी लेते हैं इस बटन को, ये हमने दबाया। अब यहाँ से कैमरा कंट्रोल के अंदर काफी सारे फीचर्स आए। अगर मैं इसको लाइट टैप करता हूँ तो यहाँ से एक्सपोजर आ गया है, डबल टैप करता हूँ तो अब यहाँ पे काफी सारे फीचर्स हैं। मैं स्वाइप करके इन सब के बीच में घूम सकता हूँ,
जूम कर लेते हैं, एक बार दोबारा से टैप करूंगा, जूम के अंदर चले गया हूँ, स्वाइप करता हूँ तो यहीं से मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। बढ़िया चीज़ है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि जिस भी फीचर पे ये प्रीवियसली होगा, जब आप एक सिंगल टैप करोगे तो उसी पे चलेगा। तो अगर पहले आपने जूम यूज किया था तो जूम पे ही रहेगा। और इसको मैं और डिटेल में अभी टेस्ट करूंगा जब मैं अपनी कैमरा कंपैरिजन वाली वीडियो लेके आऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको वाईफाई 7 मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, यूएसबी सी जैसे मैंने बताया 3.0 वाला ही है जो कि 15 में भी था। और यहाँ पे काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, क्योंकि मैं अमेरिका में हूं तो मुझे वाले फीचर मिल रहे हैं, बट इंडिया में नहीं मिलेंगे। इंडिया में आपको मिल जाएगा क्रैश डिटेक्शन, बट सैटेलाइट वाले जो फीचर हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। सैटेलाइट फीचर्स की अगर मैं बात कर लूं तो इमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट, रोड साइड असिस्टेंस और मैसेज वाया सैटेलाइट, ये तीनों फीचर 15 प्रो सीरीज में भी थे और 16 प्रो में भी मिल रहे हैं। अब बात करते हैं स्टोरेज वेरियंट की, क्योंकि 16 प्रो मैक्स यहाँ पे तीन स्टोरेज वेरियंट है, 256, 512 एंड 1 टेराबाइट। 256 GB का प्राइस स्टार्ट हो रहा है 1,44,900 से, और पहले से 15,000 रुपए ये वाला जो फोन है वो सस्ता हो गया है। और ये थी मेरी क्विक सी वीडियो 16 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस पे। मैं बहुत ज्यादा खुश तो नहीं हूं, सेम ही लग रहा है फोन, बट मैं इसको टेस्ट करता हूं और फिर आपको बताता हूं कैसा है ये वाला फोन। और इसके बाद बहुत सारी अनबॉक्सिंग आपके लिए आ रही है, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना जरूर कमेंट में, और क्या अपग्रेड कर रहे हो या नहीं ये भी बताओ कमेंट्स में। और अब इसी नोट पे वीडियो करता हूं खत्म, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।